वेलकम टू पूर्णिमा सुपर किचन। आज हम बनाएंगे जेली कसाटा आइसक्रीम, जिसमें मैं जेली का बेस देने वाली हूँ और कसाटा आइसक्रीम रहेगी और पीनट चिक्की भी बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो कसाटा आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने ये लिया है, आइसक्रीम मैंने ली है। इसमें मैंने ऑरेंज कलर डाला हुआ है और ये ऑरेंज ब्लास्ट जैम है, इसे भी मैंने यूज़ किया है और ऑरेंज एसेंस का यूज करूँगी। और ये वनीला आइसक्रीम है, इसको एक लेयर इसकी रहेगी। और जेली के लिए ये मैं जेली बनाना बताऊंगी आपको कैसे बनाई जाती है। और पीनट चिक्की बनाने के लिए ये पीनट्स को मैंने रोस्ट कर लिया है और इसे एक कपड़े पे डालकर उसको दरदरा कर लिया है। और ये चीनी चाहिए होगी चिक्की बनाने के लिए और ये पिस्ता चाहिए होगा, इसे ऊपर की लेयर टॉपिंग में दूंगी मैं। एक पैन लेंगे, उसमें 3 कप पानी डालेंगे। ये मैंने 3 कप पानी रख दिया है वो उबलने के लिए, ये उबल जाएगा उसके बाद मैं जेली बनाऊंगी। ये स्ट्रॉबेरी जेली मैंने निकाल ली है एक बोल में। अब इसमें ये जो पाउच आता है इसका ये भी सब मिक्स कर लेंगे। पानी बॉयल हो चुका है, अब गैस ऑफ करेंगे और इसे 2 मिनट ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये 2 मिनट हो गए हैं, इसे भाप निकलना बंद हो गया है। अब इसमें ये जेली वाला मिक्सर डाल देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये स्ट्रॉबेरी जेली का मिक्सचर मैंने मिक्स कर दिया है पानी में, अब इसे मोल्ड में डाल देंगे। इसे मोल्ड में डाल देंगे और सेट करने के लिए रख देंगे। अब इसे रूम टेम्परेचर पे 45 मिनट्स के लिए रख देंगे। जब तक हमारी जेली सेट हो रही है तब तक हम पिस्ता को काट लेते हैं, चॉप कर लेंगे बारीक बारीक। ये ब्लांच किए हुए पिस्ता है, इनको ब्लांच कर लिया है मैंने 2 मिनट और उसके बाद इनका छिलका उतार लिया है और अब इसको काटना है। इन्हें बहुत बारीक नहीं करना है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैंने प्रिपरेशन पहले से कर रखी थी थोड़ी सी। जैसे मैंने इसे ब्लांच कर लिया और ऑरेंज ब्लास्ट और ऑरेंज कलर एसेंस मैंने पहले से डाल लिया था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब हम चिक्की बनाएंगे, इसके लिए पैन में चीनी डाल देंगे 1 कप। चीनी को धीमी आँच पर ऐसे ही मेल्ट होने देंगे। ये चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है, इसमें मैंने ये मैंने हुरसे पे एक ऑयल लगा लिया था, इसको ग्रीस कर लिया है और उसके बाद ये मूंगफली फैला दी है मैंने। ये चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो गई, कैरेमल बन चुका है। अब इसे चिक्की के ऊपर फैलाएंगे, धीरे से डालेंगे हर तरफ से। ये चिक्की बनके तैयार हो गई है, पूरी तरह से मैंने कैरेमल को फैला दिया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे जिससे अच्छे से सेट हो जाए। एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जिस भी प्लेट में या जिस चीज़ में भी आप बना रहे हो चिक्की, उसको ग्रीस करना ज़रूरी है। पहले उसमें ऑयल लगा लें, उसके बाद इसमें कैरेमल डाल के आप चिक्की बनाएं, जिससे ये अच्छे से निकल आएगी, नहीं तो ये पैन में चिपक जाएगा। चिक्की सेट हो चुकी है, ये देखिए अच्छे से निकल आई है ये, और तोड़ने पर ये इस तरह से बहुत अच्छे से टूट रही है। इसका मतलब ये पटकने से ऐसे टूट जाए, इसका मतलब एक बहुत अच्छी चिक्की बनी है। ये जेली सेट हो चुकी है 45 मिनट बाद। अब इसमें आइसक्रीम डालेंगे, वनीला आइसक्रीम। ये आइसक्रीम बनाना मैंने पार्ट 1 में बताया है, ये पार्ट 4 है, आप उसे देख लीजिएगा। पार्ट 1 में मैंने बेस कैसे बनाते हैं और उसे 2 किलो आइसक्रीम, आधा लीटर दूध से आप 2 लीटर तक आइसक्रीम कैसे बनाते हैं ये मैंने बताया है। और पार्ट 2 में मैंने बताया है 6 तरह की आइसक्रीम बनाना। पार्ट 3 में मैंने आइसक्रीम केक बनाना बताया है और ये पार्ट 4 में मैं कसाटा बना रही हूँ, तो आप वो तीनों ज़रूर देखिएगा। ये जेली के ऊपर मैंने आइसक्रीम डाल दी है, वनीला आइसक्रीम।
हिला देंगे। ये चिक्की डाल दूंगी, इसे मैंने क्रश कर लिया है और इसे सेट होने के बाद भी इसके ऊपर मैं डालूंगी। मैं सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ये 2 घंटे के लिए सेट करने के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे, उसके बाद हम दूसरी लेयर बनाएंगे। 2 घंटे बाद ये थोड़ा सा सेट हो गया है। अब ये चिक्की इसके ऊपर डालेंगे जो मैंने तोड़ के रखी थी, और फैला देंगे। चिक्की को मैंने अच्छे से पूरे में फैला दिया है। अब इसमें सेकेंड लेयर डालेंगे, जिसमें मैंने ऑरेंज जैम डाला है, ऑरेंज एसेंस एंड ऑरेंज कलर। ऑरेंज जैम ऑप्शनल है, अगर आपको मिले तो आप डालिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप एसेंस डालेंगे उससे भी टेस्ट आ जाएगा। ऑरेंज आइसक्रीम भी फैला लेंगे। इसे मैंने ऑरेंज आइसक्रीम से कवर कर दिया है। अब इसके ऊपर पिस्ता डालेंगे, ब्लांच किए हुए पिस्ता और कटे हुए। ये सारे पिस्ता मैंने फैला दिए हैं। अब इसे कवर करके फ्रिज में 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे। इसे कवर कर देंगे, इसे 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में जमने के लिए छोड़ देंगे। ये सेट हो चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह की प्लेन नाइफ लेके इनके साइडों को हटा लेंगे, जिससे अच्छे से निकल आए। प्लेट के ऊपर पलट लेंगे और इसे थोड़ा सा थपथपाएंगे ऊपर से। ये निकल आया है, अब इसे पलट लेंगे। अब इसे काट देंगे, पीसेस में कट करेंगे। ये जेली दिख रही है, ये तैयार है। लीजिए, तैयार है हमारी जेली कसाटा आइसक्रीम। खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।